नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। अचानक से दग्गुबती पुरंदरेश्वरी की विदाई और ओम प्रकाश माथुर की अगुवाई, कुछ तो है, कोई बात तो है। आपने सीआईडी का ये डायलॉग जरूर सुना होगा। आज की पड़ताल मैं इसी डायलॉग से शुरू करने जा रहा हूं। आखिर इसके पीछे क्या वजह? सबसे पहले खबर ये है कि ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। वे डी पुरंदरेश्वरी की जगह लेंगे। सिर्फ ओम प्रकाश माथुर ही नहीं, देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने 17 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी बदले हैं। कुछ को बरकरार रखा है और कुछ को नया कार्यभार सौंपा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी ओम माथुर को दी गई। अब कुछ बातें अंदर की। ओम माथुर वो शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश में भी प्रभारी रह चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में जब वो प्रभारी थे तो ये कहा जाने लग गया था कि जो बातें बसपा को भी नहीं पता होती अपनी खुद की पार्टी की, सपा को भी नहीं पता होती अपनी चुनावी रणनीति की, वो बातें ओम प्रकाश माथुर को पता होती हैं। और सिर्फ पता नहीं होती हैं, जब सपा रणनीति बना रही होती है चुनाव की और उसके काट के रूप में ओम माथुर अगले ही दिन एक नया फार्मूला लेकर चले आते थे। ये बात है उस वक्त की जब भाजपा उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही थी, और नतीजे के रूप में सबने देखा कि भाजपा ने वहां पर दूसरी बार सरकार बना दी है। अब जानिए इसके मायने। राजस्थान में ओम प्रकाश माथुर दरअसल महारानी की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। महारानी यानी कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। लगातार ये टशन चल रहा था। पिछले 2018 के चुनाव हारने के बाद से ही ओम प्रकाश माथुर और महारानी के बीच में संघर्ष था। इस संघर्ष में नुकसान ये हो रहा था कि भाजपा यूनिफाइड नहीं हो पा रही थी। केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि वसुंधरा राजे सिंधिया अब कुछ दिन के लिए राजनीति से पॉज लें या दूसरी भूमिकाओं में जाएं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया बखूबी जानती थी कि वो जैसे ही यहाँ से हटेंगी तो उनके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम वहाँ पर भाजपा से आगे बढ़ेगा, वो होगा ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर वो शख्स हैं जो 2015 से ही केंद्रीय संगठन को और भाजपा के तमाम जो है निर्णायक मंडलों को ये बता रहे थे कि राजस्थान में 2018 में बहुत ख़राब हालात होने वाले हैं, यानी कि वो एंटी इनकम्बेंसी का भोंपू लगातार बजा रहे थे। महारानी इसको खारिज कर रही थी, केंद्रीय नेतृत्व बार बार पूछ रहा था। हमने देखा 2017 तक आते आते ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी थी कि ओम प्रकाश माथुर की बात सही है। केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया से लगातार कोई रणनीति बनाने की बात करता, लेकिन महारानी लगातार ये कहती रही नहीं, राजस्थान में सब कुछ ठीक है। अंत में इस ठीक का ठीकरा किसके सर फूटा सब जानते हैं। ब्रेन सर्जरी के बाद अब करेंगे छत्तीसगढ़ की सर्जरी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ओम माथुर की हाल ही में एक ब्रेन की सर्जरी हुई है। वे अभी आराम कर रहे हैं और ज़्यादा फोन पर या किसी कैमरे पर नहीं आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में उनका आराम पूरा हो जाएगा और वो रायपुर आएंगे। रायपुर आते ही वो ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जो दग्गुबती से रह गया है उसको सिलने और कढ़ाई करने का काम भी करेंगे। माना जा रहा है कि अरुण साव अब अपनी अगली टीम ओम प्रकाश माथुर की ज्वाइनिंग के बाद ही बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अरुण साव की टीम बनाने में बहुत देर होने वाली है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सोमवार के बाद कभी भी ओम माथुर रायपुर आ सकते हैं। मेरे सूत्र ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे जो बड़े बदलाव और होने हैं वो सारे के सारे अब नवरात्रि में हो जाएंगे, यानी कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक छत्तीसगढ़ की सारी भाजपा नई हो जाएगी और इसमें अहम भूमिका निभाएंगे ओम माथुर। यानी कि अब ये बात बहुत स्पष्ट है ओम माथुर के आने के बाद कि संघ छत्तीसगढ़ की भाजपा को पूरी तरह से अपने क्लच में रखना चाहता है। खैर, देखेंगे आगे होता है क्या। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।